है पहले तो। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मैं नेपाल से हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा, नेपाल से। क्या बताएं, क्या है प्रॉब्लम, किस लिए आपने कॉल किया? जी, मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक में वो वर्क इन कनाडा कनाडा का एडवर्टीजमेंट नहीं होता है तो वो देखा था, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। तो वहाँ से मुझे मतलब व्हाट्सएप नंबर मिला एक शख्स का जो वहीं का है, कनाडा का ही है। तो मेरा उससे बात हुआ तो उसने मुझे जॉब इंटरव्यू जो भी लेटर होता है ना, पेपर्स होते हैं, वो सब मुझे दिया और बोला कि मतलब तुम्हारा जॉब लग जाएगा, काम हो जाएगा, वर्क परमिट ये सब दिया है मुझे। तो वही सब मुझे चेक कराना था कि मतलब सही है कि फेक है बोल करके। आप करते क्या हो वहाँ पर और में क्या करते हो जॉब? जी, मैं फिलहाल तो कतर से आया हूँ, मैं एसी टेक्नीशियन का जॉब करता था और मेरा भी वही जॉब है। एसी टेक्नीशियन में जॉब करते थे आप पहले? जी। और एजुकेशन क्या है आपकी, क्या आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है? जी, मैंने एसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी किया है, मेरे पास है उसका। नेपाल में जॉब्स खत्म है इंडिया से? नेपाल में क्या हो रहा है जॉब्स के बारे में? अभी तो लॉकडाउन की वजह से कहीं भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए सोचा बाहर भी ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है। जी, इसी का फायदा लेते हुए कई लोग शॉर्ट जॉब्स डाल रहे हैं फेसबुक पे और दूसरी जगह उस पर कि कनाडा खुल गया है, कनाडा में जॉब है, इसलिए आप शिकार हो रहे हैं। ये जॉब जो आपने भेजा है, मैं देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कुछ कि नहीं? शायद नहीं, मेरी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। जो आपने भेजा है देख पा रहा हूँ, आपने भेजा है ये सब जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब नकली हैं, ये किसने भेजा है? FBI गारंटी ऑफ पेमेंट ये डॉक्यूमेंट तो सारा नकली है, पता नहीं किसने, कनाडा एम्बेसी से आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं? जी जी देख पा रहा हूँ। ये सब डॉक्यूमेंट आपने भेजे ना मेरे को? हाँ, मैंने अभी भेजा आपको। कनाडा वीजा एप्लीकेशन, ऊपर झंडा लगा दिया है, नीचे कनाडा का वो लिख दिया है, लोगो लिख दिया है नीचे, जो ये जो गोला बनाया है, गोला असली कंपनी का कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाल दिया है। ये सब नकली है भाई। 6-10 जॉब कमीशन अप्रूवल, कोई इंटरव्यू हुआ है आपका? कैसे हुआ, कैसे जॉब ले ली उन्होंने? ये जो LMA का है ना, तो वो उसने अपना दिया है, देखिए तो इसको, मतलब उसमें इसका नंबर है, हर चीज़ है। क्या नंबर है वो? तो वही नंबर, पता नहीं कोई और नंबर है, सर्टिफाइड नंबर 444 ऐसे कोई नंबर डाल दिया। वो कोई नंबर थोड़ी है LMI का, और LMI की शक्ल ऐसी होती नहीं है। वो एक्चुअली चोरी चोरी करने के लिए थोड़ी अकल की जरूरत होती है, उन्होंने शायद वो इधर उधर पेश करके आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो, और ये सब नकली है भाई। ILTS एप्लीकेशन फॉर्म ही भेज दिया आपको, ILTS देना है क्या? अच्छा, और आई नो दिस कंपनी, ये कंपनी तो मेरे शहर में है एक्चुअली, लिखा भी उन्होंने कॉपी के एड्रेस भी डाल दिया, पर जॉब देते नहीं है। और इसने ये लिखा है एक फेसबुक मैसेज या व्हाटएवर, आई थिंक दिस इज मे बी व्हाट्सएप मैसेज, कनाडा मैनेजर, और ये दे दिया, अल्लाह इज द प्रोटेक्टर ऑफ दोज हु हैव फेथ फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ डार्कनेस ही विल लीड देम इनटू फोर्थ इनटू लाइट। ये सब इसने ये अपनी मैसेज डाला हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 8312876210, ये नंबर भी नकली है। हाँ, मतलब ये उसी का नंबर जो है वो शो कर रहा था व्हाट्सएप पे। यार व्हाट्सएप के नंबर या कोई भी नंबर है आजकल इंटरनेट पे, कोई भी नंबर बना लेंगे आज, जब पैसे आपसे ले लेंगे उसके बाद नंबर काट देंगे नंबर। जी जी, तो इसलिए मैं एक बार आपसे चेक करवा रहा था कि क्या है, कैसा है, फेक है कि क्या है, ऐसा ना हो कि आदमी इसमें फंस जाए बोल करके। यार ये तो चलो आपने अच्छा किया कॉल कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब नकली है, इस चक्कर में मत आए आप। और आप कोई पैसे तो नहीं दे दिए इनको? नहीं, मतलब 5-6 हज़ार ऐसे, मतलब कुछ है बस इतना ही है, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ। 5-6 हज़ार रुपये नेपाल के रुपए?
हाँ नेपाल की। इतनी बड़ी जॉब, कंस्ट्रक्शन की जॉब देने के लिए उसने सोचा होगा कि भाई कम से कम चलो नेपाल में लोगों को देंगे, 5-5 हज़ार रुपये भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो दो तीन मुर्गे फंस गए तो कम से कम कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो जी जी वो अच्छा हुआ सस्ते में निपट गया, नहीं तो हो सकता है कि आपसे कई लोगों ने तो ज़्यादा भी पैसे दे रखे थे। ठीक जी जी है, मतलब तो वही। उसको हाँ क्या है, सब नकली है, उसको आप गुड बाय करें, अपना और कोई काम देखें। जी, वही मतलब मुझे चेक करवाना था, शायद ये फेक है कि सही है बोल करके, मतलब और पैसा मांगेगा बोल कर। तो मैंने बोला यूट्यूब में चेक करते हो तो आपका वीडियोस देखा, आपकी वीडियोस में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लेकर आए थे, तो मैंने भी बोला आपसे कांटेक्ट करके एक बार बात कर लेता हूँ। और वो सारी जो जिन लोग की आपने प्रॉब्लम सुनी उनकी लिस्ट में आपका भी नाम आ गया कि आपको भी एक फ्रॉड आया है, और आपको देखकर और आपके किस्सा सुन के नेपाल के लोग और भी शायद अच्छे गाइड हो जाएंगे कि भाई थोड़ा सा ऐसा ऐसा फ्रॉड ना हो जाए कहीं। तो आई अप्रिशिएट योर जी कॉल, आई अप्रिशिएट अ कॉल, और आप इसको छोड़ें, ये सब नकली है। ठीक, जी जी शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।